देश में 1 जून से रेलवे विभाग ट्रेनों को शुरू करने जा रहा है, जिसमें 6 ट्रेनें ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर रुकेंगी। टिकट बुकिंग के लिए ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर सुबह 10 बजे से 2 टिकट काउंटर खोले गए हैं। ग्वालियर में टिकट काउंटर खोले जाने के बाद यहां पर बड़ी संख्या में यात्री अपना टिकट बुक कराने के लिए आ रहे हैं। ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर 2 काउंटर खोले गए हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए लोगों की लाइनें लगाई गई हैं। स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को मास्क उपयोग करना जरूरी है। टिकट कैंसिल कराने वाले यात्री भी स्टेशन पहुंच रहे हैं। टिकट बुक करा रहे यात्रियों का कहना है कि जो लोग ऑनलाइन टिकट बुक नहीं करा पा रहे, उनके लिए अच्छी सुविधा मिली है। विंडो टिकट से 6 ट्रेन रोकने के लिए बताया, ठीक है, जो कि ग्वालियर में पहले स्टॉपेज नहीं था, 6 ट्रेन को बताया, 200 ट्रेनें चल रही उसमें से, जो पहले ट्रेन थी 15 उसमें से नहीं। शुरुआत हुई है, टिकट हो रहे हैं, थोड़ा चालू हो गया अभी, क्योंकि 8 बजे का टाइम था जो कि अभी 11 बजने वाले। हाँ, आज से विंडो टिकट की शुरुआत हो, जो कि रेलवे का काफ़ी अच्छी कदम है, क्योंकि लोग ऑनलाइन तो काफ़ी संख्या में ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी सुविधा है। ग्वालियर से भी कुछ स्टॉपेज हैं ट्रेनों के लिए जो कि दिल्ली और अदर स्टेशन को जाएंगी, और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी काफ़ी पालन देख रहा हूँ मैं, अधिकारी भी लगे हुए हैं यहाँ पे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।